खबर बांदा जनपद से जहां एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नाम बदमाश को नारायणी कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले शहर कोतवाली अंतर्गत एसओजी टीम की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अमित नाम के एक बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके साथ में राशिद नाम का चोर भाग गया था। आज मुखबिर की सूचना पर नारायणी पुलिस व एसओजी टीम ने राशिद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन पुलिस की माने तो राशिद ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाब पे पुलिस ने भी फायरिंग की। राशिद के पैर में गोली लगने से वह भाग नहीं पाया। 25,000 के नामी राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार करने के बाद घायल राशिद को नजदीकी नारायणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां खतरे से बाहर है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि अभी 2-3 दिन पहले मवई बुजुर्ग के पास मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश फरार हो गया था। उसको आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ खतरे से बाहर है। इसके विरुद्ध 1 दर्जन से ज्यादा चोरी डकैती जैसे मुकदमे दर्ज है। आज रात्रि में करीब 11 बजे के आसपास जो है ये पिपरहरी गांव पड़ता है, ये नरैनी और खतर्रा रोड पर पिपरहरी गांव है, ये मोड़ है पिपरहरी गांव को जाता है। वहां पर जो है एक राशिद नाम का बदमाश है जो चमरौड़ी कोतवाली नगर का रहने वाला था। ये कई मुकदमों में, चोरी के मुकदमों में ये कोतवाली से वांछित भी था। अभी हाल में ही जो है एक इसका साथी जो है बदमाश जो मुठभेड़ में इसको पिस्टल के साथ पकड़ा गया था, उस चोरी की घटना में भी ये शामिल था। और इसके अलावा इसने एक महोबा में एक चोरी किया था, उस घटना में भी ये वांछित था। इसकी तलाश की जा रही थी। आज मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई एसओजी टीम को कि ये नरैनी रोड पर जो है ये किसी आपराधिक घटना को वारदात देने के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस सूचना पर तत्काल इसकी घेराबंदी यहाँ की गई और घेराबंदी करके मुखबिर के इशारा पर इसको पहचान कराएगी और इस पहचान पर वो जो है इस तरह भागने का प्रयास किया और उसकी और भागने का प्रयास किया और उसके पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया। फिर जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग किया और उसके पैर में चोट आई है। उसको तत्काल जिला अस्पताल इसको भेजा गया है और खतरे से बाहर है। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार नरैनी में करा दिया गया है। सर कितने मुकदमे उस पर लिखे हैं, क्या कुछ ये इस पर कुल 8 मुकदमे हैं। अभी 3 मुकदमों में वांछित है। इस प्रकार कुल 11 मुकदमे इसके ऊपर हैं और ज़्यादातर मुकदमे जो है चोरी के हैं, 307 के हैं। और इसका एक गैंग था चोरी का और अच्छे इसने चोरी के कई बड़े बड़े इसने अपराध किए हैं और ये हमारे यहाँ से 25,000 का ये इनामी अपराधी भी था।